हेलो गाइस, आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं शहडोल ज़िला के बारे में। तो आज हम सारे शहडोल ज़िले से रिलेटेड एमपी जी के डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ज़िला शहडोल मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसका गठन 1969 में हुआ था। यह पहले रीवा संभाग के अंतर्गत आता था। 16 जून 2008 को यह संभाग बना था। शहडोल का नाम सहस्त्र और डूल शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हजारों तालाबों का समूह। यह जिला सतपुड़ा पर्वत, कैमूर पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच है पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत, कैमूर पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच पड़ता है। यह महाभारत कालीन विराट नगर और है। जनसंख्या दृष्टि से यह सबसे छोटा संभाग है। यह मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा तथा मध्य प्रदेश का 10वां संभाग। शहडोल मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। शहडोल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर में है, जो शहडोल जिला में आता है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल में आता है, जो सुहागपुर है। सबसे बड़ी निजी पेपर मिल अमलाई शहडोल में है। प्रथम कोलबेड मीथेन एवं गैस संयंत्र रिलायंस ग्रुप ने लगाया था। पेपर मिल ओरिएंटल विडल ग्रुप ने लगाई है। सबसे बड़ी निजी पेपर मिल अमलाई शहडोल में है। प्रथम कोलबेड मीथेन एवं गैस संयंत्र रिलायंस ग्रुप ने लगाया था। शहडोल सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो 4142 वर्ग किलोमीटर में फैला। सुहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। शहडोल के हजारों तालाबों का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। शहडोल को हजारों तालाबों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बाण गंगा, सुहागपुर, विराट मंदिर, अंतरा व काली देवी मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, प्राचीन मंदिर, सिंहपुर का दुर्ग मंदिर आदि प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। बाणसागर परियोजना अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी पर निर्मित है। यह नदी मध्य प्रदेश के रीवा सीधी जिले में बहती हुई पटना जिले से नीचे गंगा में मिलती है। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की परियोजना है, जो 1978 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें तीनों राज्यों का अंश 2:1:1 है। इस परियोजना के अंतर्गत शहडोल जिले के देवलोन स्थान पर एक बांध निर्मित किया गया है, जिसकी कही विद्युत क्षमता 435 मेगावाट है। इस हेतु 3 जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। अंतरा शहडोल जिले के ग्राम अंतरा कलचुरिया कालीन मां कंकाली देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सुहागपुर शहडोल जिले का सुहागपुर नगर 2 कारणों से प्रसिद्ध है। एक, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र तथा प्रसिद्ध पुरातात्विक अस्मिता का भी प्रतीक है। पांडव कालीन विराट मंदिर, यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जो वर्तमान में एक ओर झुक रहा है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक युवराज देव ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण शहडोल में दूरदर्शन आकाशवाणी डीटीआई तीनों हैं। शहडोल के सुहागपुर में एशिया का सबसे बड़ी कोल फील्ड है। शहडोल विंध्याचल एवं मैकल श्रृंखला पर स्थित है। कैमूर और मैकाल पर्वत का मिलन स्थल है। वानगंगा मेला शहडोल में लगता है। शहडोल आहिर के नाम पर शहडोल है। शहडोल व आहिर के नाम पर शहडोल है। बाण सागर परियोजना देवलून नामक स्थान पर है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।